हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत की तीसरी क्लास में भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज के आपसी संबंध के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और जैसे जैसे मानव को आवश्यकताएँ बढ़ती गई, विज्ञान में नए नए आविष्कार हुए, नई नई खोज हुई, जिसकी बदौलत आज हमारा जीवन हमारे पूर्वजों की तुलना में अधिक आरामदायक है। इन विज्ञान की खोजों में विज्ञान की सभी शाखाओं का अपना अपना अलग अलग योगदान है, लेकिन आज हम यहाँ भौतिक विज्ञान के योगदान की बात करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक वृहद और महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें बहुत सारे आविष्कार हुए हैं जिससे हमारे समाज को सुदृढ़ता मिली है। इनमें से कुछ सिद्धांतों और उनसे उनके आधार पर विकसित हुई तकनीकियों के बारे में हम विश्लेषण करेंगे ताकि हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी ना बने और इजीली हमें हमारा कॉन्सेप्ट समझ आए। थ्योरेटिकल टॉपिक है, समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला उदाहरण है कि ऊष्मागतिकी के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर भाप इंजन का आविष्कार हुआ। इसके पश्चात डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन बने। इन इंजनों के आधार पर नए नई गाड़ियां बनने लगी, वाहन बनने लगे और हमारा यातायात जो है वो बहुत ही सुविधाजनक और तीव्र हो गया। जबकि ऐसी मान्यताएं हैं कि हमारे पूर्वज जो है वो अधिकांश यात्राएं पैदल ही किया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे पशुओं के ऊपर बैठकर, जैसे घोड़े के ऊपर सवारी करना, ऊंट के ऊपर सवारी करना, घोड़े गाड़ी विकसित हुई, ऊंट गाड़ी विकसित हुई, ये चीज़ें चलने लगी, लेकिन ये इतनी सुविधाजनक नहीं है और टाइम कंज्यूमिंग है। आज हम यातायात के बहुत सारे संसाधन देखते हैं जैसे कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, जिनकी सहायता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुविधाजनक रूप से और कम समय में अपनी यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं। सेकेंड बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की। तो भौतिक विज्ञान ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति की। विद्युत चुंबकीय तरंगों के आधार पर वैज्ञानिकों ने बेतार संचार, वायरलेस कम्युनिकेशन व्युत्पन्न किया, जिसकी सहायता से अभी हम बात कर पा रहे हैं। ये मोबाइल, इंटरनेट, वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर ही बेस्ड है। आज हमारे अधिकांश जो संचार के कार्य हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी प्रकार का वीडियो, ऑडियो या टेक्स्ट मैसेज भेजना है, वो अधिकांश बेतार संचार के द्वारा ही हो रहा है। अब चाहे वो कोई वीडियो भेजना हो, चाहे कोई मैसेज भेजना हो, चाहे मेल करना हो, ये सारे कार्य आज इंटरनेट और मोबाइल की सहायता से अधिकांशतः हो रहे हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण पर आधारित हैं। अगली बात करते हैं प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन की। तो प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु विकसित किया गया, जिसका मुख्य उपयोग अगेन संचार तंत्र में तथा मेडिकल फील्ड में होता है। अगली बात करते हैं बर्नौली की प्रमेय की। बर्नौली की प्रमेय तरलों पर अप्लाई होती है कि जो आदर्श तरल है उसके धारा रेखीय प्रवाह के दौरान उसमें स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा का योगफल प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। इसके आधार पर, इस प्रमेय के सिद्धांत के आधार पर ही हमारे वायुयान का विकास हुआ है। वायुयान की जो उड़ान है वो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है और आप जानते हैं कि वायुयान के द्वारा हम लंबी दूरियों को भी सुविधाजनक रूप से बहुत कम समय में संपूर्ण कर सकते हैं। अगली बात करते हैं न्यूटन के गति के नियमों की। तो जो रॉकेट नौदन है, रॉकेट की गति है कि उससे गैसें नीचे की ओर निकलेंगी, उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रॉकेट ऊपर की ओर गति करेगा, इसे रॉकेट नौदन कहते हैं। और रॉकेट नौदन जो है इसकी सहायता से हमारी अंतरिक्ष की अधिकांश खोजें होती हैं। अंतरिक्ष में जो खोज करने के लिए जाते हैं वो रॉकेट के द्वारा ही यात्रा करते हैं और ये रॉकेट नौदन जो है वो आधारित है न्यूटन के गति के नियमों पर। अगली बात करते हैं माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों की। तो माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणों के नियमों के आधार पर विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर निर्मित किए गए। विद्युत जनित्रों से विद्युत उत्पन्न की जाती है और आज हम अपने अधिकांश कार्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्युत ऊर्जा से ही करते हैं। तो इसलिए विद्युत जनित्र के निर्माण में भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की भूमिका है। अगली बात करते हैं नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन पुनः दो प्रकार की होती है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो नाभिक से अत्यधिक परिमाण की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को सार्थक रूप में कार्य के लिए, उपयोग के लिए हम परमाणु भट्टी या नाभिकीय भट्टी का उपयोग करते हैं, जो किस पर आधारित है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। जबकि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का विनाशक उपयोग है और उसका उपयोग परमाणु बम में किया जाता है। अगली बात करते हैं
अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी की, तो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी ने हमें बहुत सारी तकनीकी प्रदान की हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, तार्किक द्वार। इन तार्किक द्वारों के संयुग्मन से बनता है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी सर्किट, जिसे हम सिलिकन चिप भी कहते हैं। और ये सिलिकन चिप मोबाइल और कंप्यूटर में मेमोरी स्टोरेज के रूप में अत्यधिक कार्यकारी है। हमने अभी तक फर्स्ट टू टेंथ तक जितनी बुक पढ़ी हैं, आपने पहली क्लास से लेकर दसवीं क्लास तक जितनी बुक पढ़ी हैं, अगर आप उन्हें एक अलमारी में रखना चाहें तो शायद अलमारी फिल हो जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि अलमारी में ना आ पाए। लेकिन उतनी सारी बुक को अगर सॉफ्ट कॉपी में देखें, कंप्यूटर या मोबाइल में खोलने योग्य और पढ़ने योग्य फॉर्मेट में देखें, तो एक सिलिकन चिप का मेमोरी कार्ड का 1 या 2 GB हिस्सा इन बुक को अपने अंदर स्टोर करने में पर्याप्त है। तो इसलिए हमारे लिए सिलिकन चिप कंप्यूटर और मोबाइल टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे स्टोरेज को ईजी बना रही है। तो ये हमारे कुछ उदाहरण थे कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान के कौन सा सिद्धांत है, उससे कौन सी टेक्नोलॉजी उत्पन्न की गई वैज्ञानिकों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, और समाज को उससे किस प्रकार का लाभ मिल रहा है। हमारी भौतिक विज्ञान अत्यधिक वृद्ध है, बहुत बड़ी शाखा है। अगर हम इसकी बात करें तो हम ऐसे बात कर सकते हैं कि भौतिक विज्ञान के अंदर जो लंबाई को पढ़ने की रेंज है वो है 10^-14 meters से लेकर 10^26 meters तक। 10^-14 meters की कोटी के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आकार माने जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक, जबकि 10^26 meters की कोटी का पूरे ब्रह्मांड का आकार माना जाता है। तो इसे अगर हम थोड़े पॉइंट में समझें, इसका मतलब है 0.00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 0
26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
21, 22, 23, 24, 25 और 26, एक के पीछे 26 जीरो, इतने मीटर दूरी तक को हम भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। ठीक, अगर इसी तरह से हम समय के अध्ययन की रेंज की बात करें तो इस दूरी को प्रकाश द्वारा तय करने में लगने वाला जो समय है वो होता है लगभग 10^-22 सेकेंड से लेकर इस अत्यधिक बड़ी दूरी को तय करने में जो प्रकाश द्वारा लगने वाला समय है वो है लगभग 10^18 सेकेंड तक के समयों की परास का हम भौतिक विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो भौतिक विज्ञान में 10^-31 किलोग्राम से लेकर 10^55 किलोग्राम तक के द्रव्यमानों का अध्ययन किया जाता है। 10^-31 की कोटि का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10^-31 किलोग्राम और 10^55 किलोग्राम की कोटि का संपूर्ण ब्रह्मांड का द्रव्यमान माना जाता है। इन सब का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंदर करते हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भौतिक विज्ञान कितनी बृहद सब्जेक्ट है, शाखा है विज्ञान की। इसने बहुत सारी तकनीकें विकसित की हैं, आज सुई से लेकर हवाई जहाज तक का जो निर्माण है वो तकनीकियों पर आधारित है और उसके लिए हमारी भौतिक विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान को समझने के लिए ही हमारा ये टॉपिक था कि भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज। तो ये टॉपिक क्या बताता है कि भौतिक विज्ञान ने कौन से नियम या सिद्धांत दिए, उसकी सहायता से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने कौन सी तकनीकी विकसित की और समाज को उससे किस प्रकार सहायता मिल रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।